नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू लर्न ऑल एक्सेल फॉर्मूलाज विदाउट एनी पर्सन हेल्प्स, कि बिना किसी की हेल्प लिए आप एक्सेल के सारे फॉर्मूले कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जैसे मैं स्टेप कर रहा हूँ आप वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर दोस्तों आपको दिखेगी एक पोस्ट, एक्सेल ऑल फॉर्मूलाज विद एक्सेल। यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक टू डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेव फाइल के लिए दिखा देगा। यहाँ से दोस्तों आपको फाइल डाउनलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको ये फाइल डेस्कटॉप पर मूव कर लेनी है। दोस्तों अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि एक जिप फाइल है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे दोस्तों, इसमें एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। तो दोस्तों ये एक्सेल की डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज हैं विद एग्जाम्पल्स और विद बिगनिंग टू एडवांस, कि एक फॉर्मूले को आप सिंपल वे में कैसे यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसी फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है फंक्शन डिक्शनरी। यहाँ पर दोस्तों आपको सारे फंक्शन मिलेंगे। उसके बाद है दोस्तों फंक्शन एग्जाम्पल्स। इसके अंदर दोस्तों इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे एज कैलकुलेशन है, इंस्टेंट चार्ट है, सम यूजिंग नेम्स, कि नेम के द्वारा आप किसी डिटेल का सम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों फंक्शन कैटेगरीज। फंक्शन कैटेगरी के अंदर दोस्तों फंक्शंस की कैटेगरीज हैं, कि जैसे डेट्स के फॉर्मूलाज अलग हैं, मैथमेटिक्स के अलग से हैं और टेक्स्ट के दोस्तों अलग से हैं। फाइनेंशियल में जैसे दोस्तों तीन फॉर्मूलाज हैं, मैथमेटिक्स में है दोस्तों जैसे सम है, सम इफ है, टेक्स्ट के अंदर दोस्तों टेक्स्ट है, वैल्यू है, अपर, प्रॉपर, रिप्लेस। तो इस तरीके से दोस्तों ये इनकी कैटेगरीज हैं। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज के दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं सम फॉर्मूले पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों सम के इसने पांच फॉर्मूला यूज करने का तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के दोस्तों है कि आप तीन कॉलम्स का सम करना चाह रहे हैं। ये देखिए जैसे हमने F4 पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगा रखा है इक्वल टू सम C4:E4, यानी कि सी कॉलम से लेकर ई कॉलम तक। इसके अंदर दोस्तों वैल्यूज हैं 100, 200 और E4 में है 300। जैसे ही आप इसका टोटल करेंगे दोस्तों, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका 600 आ गया है। इसी तरीके से दोस्तों नीचे है वर्टिकल में, अगर आप वर्टिकल मतलब रो का अगर आप टोटल निकाल रहे हैं तो इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब आपके सेल्स की वैल्यू आपको टोटल करनी है, लेकिन वो सेल्स अलग अलग स्पेस में है। कोई C4 है, कोई C7 है, कोई C8 है। ऐसे ही दोस्तों नीचे मल्टीपल रेंजेस हैं। उसके बाद दोस्तों फंक्शनल्स हैं। फंक्शंस के अंदर देखेंगे दोस्तों आपको इक्वल टू सम के अंदर इन्होंने दो फॉर्मूले लगा रखे हैं, एवरेज और मैक्स। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि इक्वल टू सम के अंदर सबसे पहले इन्होंने दिया एवरेज फॉर्मूला। एवरेज फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C23 से C25 तक, यानी कि आप देखेंगे C23 से C25 तक वैल्यू डली हुई है 100, 200 और 300। अगर हम इनका एवरेज निकालें तो दोस्तों 200 आएगा। और उसके बाद कॉमा मैक्स। मैक्स दिया हुआ है E23 to E25। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 400, 500, 600 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 600। तो दोस्तों एक का एवरेज लेना है और दूसरे का मैक्सिमम, तो दोनों का टोटल करोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली 800 आएगा, 200 + 600। तो इस तरीके से दोस्तों आप सारे फॉर्मूलाज को सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आप बेटर ऑप्शन है कि फंक्शन डिक्शनरी यूज कीजिए। यहाँ पर आप सिंगल स्टेप बाय स्टेप आप सारे फॉर्मूलाज को सीखिए। उसके बाद अगर आपको कोई फंक्शंस में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे।
और दोस्तों हर फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला लोगों को बहुत ही कम लोगों को आता है, लेकिन वो हर बंदा इस फॉर्मूले को सीखना चाहता है एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की किसी भी फॉर्मूले में दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।